हेलो दोस्तों, मैं हूं मयूर। आप देख रहे हैं टेकवाइंस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ट अंडर 75K। तो ये हमारा वीडियो का टॉपिक हो गया है, इस बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये एक नया चैनल है, मैंने अभी अभी बस एक दो महीने पहले से स्टार्ट करा है और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगता है। तो उस डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करने के लिए, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आज का पीसी बिल्ट है वो होगा 75K के अंडर में। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, आप वेब ब्राउजिंग करते हो, वीडियोस देखते हो, मूवीज़ देखते हो, या फिर थोड़ा छोटा मोटा काम करते हो, एमएस वर्ड या फिर फोटोशॉप फोटोशॉप चलाते हो, तो आप मत लीजिए ये वाले पीसी को। ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा आपके लिए और आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर वहीं जस्ट ऑपोजिट, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, या फिर आप बहुत इंटेंसिव गेमर हो, बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हो, तो ये पीसी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप वीडियो में बने रहें, आखिर तक आप वीडियोज़ देखें, तो आप को एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से अपन को पीसी बिल्ड करना चाहिए। तो इसके पहले मेरी एक और वीडियो है 55K के अंडर की पीसी बिल्ड वाली, अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा। तो जो इस बिल्ड की सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसमें यूज़ हुआ प्रोसेसर। जो इसमें मैंने प्रोसेसर यूज़ करा हूँ वो है कॉफ़ी लेक जनरेशन का लेटेस्ट i5 8400। तो मैंने ये प्रोसेसर इसलिए चूज़ करा हूँ क्योंकि ये i5 7600K से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये लगभग लगभग i7 7700K के बराबर परफॉर्म करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रोसेसर है वो है i5 8400। ये आता है 6 कोर और 6 थ्रेड के साथ। इसका ईच कोर 2.8 GHz पे क्लॉक है, आप इसको टर्बो क्लॉक कर सकते हैं 4 GHz तक के। और इसमें 9 MB की Level 3 वाली कैश आती है। ये 14 नैनोमीटर वाले आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो कि स्काईलेक और कैबीलेक में भी था 14 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर। ये आता है इंटेल UHD 630 ग्राफिक्स के साथ। ये VR रेडी है, DDR4 RAM को सपोर्ट करता है, इसकी TDP है 65 वोल्ट्स, और जो यूज़र बेंचमार्क का एवरेज है उसमें इसने 93.1% स्कोर करा है। इसकी यूज़र बेंचमार्क में रैंक है 22nd नंबर की आउट ऑफ 980 में। ये सपोर्ट करता है 300 सीरीज की मदरबोर्ड इंटेल वाली। इसका प्राइस अमेजोन पर है 17,750 रुपीस। लोकल का प्राइस आप जान सकते हैं, वैसे मैं कोशिश करूंगा लोकल का प्राइस बताने की। तो जो मदरबोर्ड है वो है गीगाबाइट का Z370 HP 3P मदरबोर्ड। ये सपोर्ट करता है LGA1151 सॉकेट। ये 6th जनरेशन और 7th जनरेशन सपोर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ 8th जनरेशन को सपोर्ट करेगा। ये इंटेल 8th जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा सिर्फ। और इसकी एक हाइलाइटेड चीज़ ये है कि इसमें आप 2 ग्राफिक कार्ड लगा के उसको क्रॉस फायर कर सकते हैं, मतलब इसमें 2 PCIe स्लॉट्स दिए हुए हैं। 4 चैनल DDR4 RAM सपोर्ट करता है ये। 64 GB तक की आप रैम डाल सकते हैं इसमें। USB 3.1 2nd Gen वाला इसमें एक आता है, 2 HDMI पोर्ट आते हैं, 1 VGA पोर्ट आता है, 1 DVI पोर्ट आता है, और अमेजोन पे इसका प्राइस है 14,500 रुपीस। तो अब मैं हार्ड ड्राइव में चूज करता हूँ सीगेट बाराकुडा 1 TB की हार्ड ड्राइव। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं, फिर इस हार्ड ड्राइव के बारे में और बात करेंगे। तो ये आती है 64 MB के कैश के साथ। ये SATA 6 GBPS वाले इंटरफेस को सपोर्ट करती है, और इसकी हाईलाइटेड चीज़ ये है कि ये क्लाउड सपोर्ट करती है, बाकी सब तो ठीक ठाक ही है। तो आप बोलते होंगे कि भाई तूने वेस्टर्न डिजिटल ब्लू 1 TB वाली हार्ड ड्राइव को क्यों चूज़ नहीं करा? तो उसका सीधा सीधा सा आंसर है कि वो हार्ड ड्राइव एक पुरानी हार्ड ड्राइव है। वो हार्ड ड्राइव 2012 और 2013 को लॉन्च हुई थी, याली हार्ड ड्राइव 2016 को लॉन्च हुई है। इसमें क्लाउड सपोर्टेड है, इसमें क्लाउड सपोर्ट नहीं है। अगर आपको इन दोनों हार्ड ड्राइव में कंपेरिजन चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। इसलिए मैंने वाली हार्ड ड्राइव चूज़ नहीं करा हूँ। और जो ग्राफिक्स कार्ड है,
ये बहुत खतरनाक ग्राफिक कार्ड है, ये है जोटेक AMP एडिशन वाला जी फोर्स GTX 10606 GB DDR5 वाला ग्राफिक कार्ड। और ये आता है आइस स्ट्रोम कूलिंग के साथ, इसमें आते हैं 1280 कूडा कोर्स, ये क्लॉक्ड है 1506 MHz पे, और ये ओवरक्लॉक हो सकता है 708 MHz तक के। जो ये ग्राफिक कार्ड है ये आता है पास्कल आर्किटेक्चर पे जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, और ये VR रेडी है। 192 बिट की मेमोरी बस आती है इसमें, डायरेक्ट टेक्स्ट 12 सपोर्ट करता है, और इसे पावर चाहिए रहती है, एक्सटर्नल पावर चाहिए रहती है। आपको एक 6 पिन कनेक्टर लेना पड़ेगा, लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि 6 पिन कनेक्टर इसके साथ आता है, और अपना पावरफुल अपना जो PSU है वो बहुत पावरफुल है इसको चलाने के लिए। तो यही 120 वोल्ट्स का इसका कंजप्शन है, और इसमें आते हैं पोर्ट्स, DVI पोर्ट आता है एक, HDMI पोर्ट आता है एक, और आते हैं 3 डिस्प्ले पोर्ट 1.4 वाले। अमेजोन पे इसका प्राइस है 23,000 रुपये के आसपास, ये ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कभार 20,000 में मिल सकता है, पर ये जो प्राइस मैंने बताया हूँ ये प्राइस के आसपास ही रहेगा। तो अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भाई तूने जोटेक GTX 10606 GB वाले एडिशन को क्यों चूज़ करा, तूने 1070 को चूज़ क्यों नहीं करा और 1050 को क्यों चूज़ नहीं करा। तो भाई मैं सिंपल सा आंसर देता हूँ, जो हमारा प्रोसेसर है उसके साथ अगर मैं 1070 को चूज़ करूँगा तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, पर भाई आज के रेट में, आज की डेट में जो उसका रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 50,000 के आसपास में आता है उसका ट्रिपल फैन वाला एडिशन। तो उतना पैसा खर्च करने से अच्छा मैंने बोला कि 1060 ले लेते हैं, और अगर 1050 Ti भी मैं लेता तो जोड़ी नहीं जमती उनकी, मतलब i5 तुम 8400 एक 17-18 हज़ार का प्रोसेसर ले रहे हो, और उसके साथ तुम्हें एक 10-12 हज़ार रुपये का ग्राफिक कार्ड डालोगे, मज़ा नहीं आता उसमें परफॉर्मेंस पे। कभी कभार जो ग्राफिक कार्ड था वो प्रोसेसर को बॉटलनेक करने लगता अगर मैं 1050 लेता। तो जो 10606 GB वाला एडिशन है वो एकदम परफेक्ट है इस प्रोसेसर के साथ, इसलिए मैंने ये ग्राफिक कार्ड लिया। तो अब जो ग्राफिक कार्ड था उसकी स्पेसिफिकेशंस तो आपने जान ली हैं, जो ग्राफिक कार्ड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड है, सारे गेम को चला सकता है अल्ट्रा सेटिंग्स पे 60 FPS के ऊपर, सारे के सारे गेम, ऐसा कोई गेम नहीं होगा जिसको 60 FPS के ऊपर ना चला पाए। आप जरूर कमेंट करिए अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई गेम होगा जिसको नहीं चला पाएगा ये। तो अब हम रैम के बारे में बात करते हैं, तो रैम है हमारी हाइपर एक्स फ्यूरी 8 GB की DDR4 वाली रैम, 2400 MHz पे आती है ये, और इसकी कैश लेटेंसी है 15 की। कैश लेटेंसी क्या होती है और इसका क्या काम होता है रैम पे, तो ये सब चीज़ आपको अगर जाननी है तो मैं बता देता हूँ। जो कैश लेटेंसी होती है वो जितनी कम होती है उतनी अच्छी होती है, मतलब और जैसे कि एक रैम इसी इसी रेट में एक रैम थी, ये रैम है 6120 रुपये की, 6200 रुपये की एक रैम थी, उसकी कैश लेटेंसी थी 16 और इसकी कैश लेटेंसी 15। तो जो जिसकी कैश लेटेंसी कम होगी वो रैम ज़्यादा अच्छी होगी, तो कैश लेटेंसी आप देखना बिल्कुल लेते समय। तो ठीक है, PSU में आते हैं, तो PSU तो एकदम बेसिक सा है, कोर्सियर VS550, 550 वोल्ट का पावर सप्लाई है और 85% एनर्जी इफिशियंट है, और ये आता है लगभग लगभग 3800 रुपये का। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ और बताने लायक नहीं है PSU के लिए, अपनी बिल्ट के लिए मोर देन इनफ रहेगा ये PSU। अपनी बिल्ट लगभग लगभग 400 वोल्ट तक का कंजप्शन कर लेती है एकदम मैक्स आउट पे, यह 550 वोल्ट का तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। शायद मैं हार्ड ड्राइव का प्राइस बताना भूल गया था, तो हार्ड ड्राइव आती है लगभग लगभग 3500 रुपये के अमेजोन पे, और जो कैबिनेट है वो एक बहुत डिसेंट लुकिंग कैबिनेट है, ये आता है BCC के तरफ से 8801, 3 LED फैंस के साथ आता है। आप इसमें 2 SSD लगा सकते हैं, 2 HDD लगा सकते हैं, और एक साइड इसका ट्रांसपेरेंट पैनल है, 3.0 USB पोर्ट आता है इसमें, 2.0 USB पोर्ट आता है, ये ATX माइक्रो ATX मदरबोर्ड को सपोर्ट कर लेता है, और हमारा ग्राफिक कार्ड इसमें आराम से एडजस्ट हो जाएगा, और हमारी मदरबोर्ड भी इसमें आराम से एडजस्ट हो जाएगी। तो एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मैं लेना चाहता हूँ, वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है, कोई उसे बताता नहीं है, तो वो है CD राइटर।
तो सीडी राइटर रहेगा हमारा आसुस का इंटरनल सीडी राइटर, बेसिक सा है, कुछ बताने लायक का नहीं है। तो वो सीडी राइटर आएगा लगभग लगभग 1000 रुपये का। मैं शायद आपको फिर से कैबिनेट का प्राइस बताना भूल गया, जो कैबिनेट का प्राइस है वो है 2500 रुपये अमेजोन पर। तो चलिए अब हम थोड़ी बिल्ड के बारे में बात करते हैं और बेंचमार्क के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा बिल्ड हो गया है हमारा 71,000 रुपीज़ का। हमारा बजट कितना था? 75,000 रुपीज़। 4000 रुपये बच रहे हैं। आप कोई भी SSD ले लीजिए, किंगस्टन की ले लीजिए, WD की ले लीजिए, सैमसंग की ले लीजिए, कोई भी आप SSD ले लेना इतने की। और आपको मैं एक कीबोर्ड और माउस का सेट वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बहुत अच्छा है, RGB 7 कलर रेनबो वाला एक्सपीरियंस देगा आपको वो कीबोर्ड और माउस वाला सेट, तो आप वो ले सकते हैं। तो जो हमारा PC है वो सारे गेम्स को, सारे AAA टाइटल्स को, सारे GTA सीरीज के गेम को, सारे टॉम रेडर सीरीज के गेम को, सारे विचर सीरीज के गेम को अल्ट्रा सेटिंग्स पे 60 FPS के ऊपर में चला देगा। अगर नहीं चला पाया, अगर आप ये PC खरीदते हो और अगर आपका गेम 60 FPS के ऊपर नहीं चला पाया, तो आप मेरे चैनल को क्लेम कर देना, सीधे सीधे क्लेम कर देना। तो भाई वीडियो ख़त्म होने आ गई है, इसके पहले आप बोल रहे होंगे कि भाई बेंचमार्क तो बता दे, तो ये कोई बेंचमार्क चैनल तो है नहीं। फिर भी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप ये पूरी बिल्ट को जाके डालिए यूज़र बेंचमार्क पे, वहाँ पे आपको वो बता देगा इसका एवरेज FPS क्या है। फूह, लंबी तो नहीं है वीडियो भाई, ठीक ठाक थी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, गंदी लगी होगी तो डिसलाइक करना, और बताना कि गंदी क्यों लगी कमेंट पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मैं अपना नाम बता देता हूँ, मैं हूँ मयूर, आप देख रहे थे टेक वाइंस, और आज की वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म।